धनबाद जिले के बलेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधुपुर निवासी झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति संस्थापक व पूर्व सांसद प्रतिनिधि बेंगू ठाकुर के घर सारी शाम आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, उन्हें बंधक बनाया गया। लगभग डेढ़ घंटे तक जमकर अपराधियों ने उत्पात मचाया। घर की एक अलमारी को तोड़कर 1 लाख नकद और 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर चलता बने। घटना की जानकारी मिलते ही सिंधुरी एसडीपीओ भूपेंद्र राउत, बलेपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी सहित अन्य बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घटना से घर के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोग भी भयभीत है। भुक्तभोगी घर के सदस्यों ने कहा कि शाम के समय आधा दर्जन डकैत घर में हथियार लेकर घुसे थे। डकैतों ने कहा कि 5 करोड़ रुपए घर में रखा है, 5 करोड़ दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। घर के लोगों को बंधक बनाया गया, मारपीट की गई, 1 लाख नकद सहित लाखों लाख रुपए के कीमत के जेवरात लेकर भाग खड़े हुए। सभी डकैत नकाब पहने थे, देसी कट्टा लिए हुए थे। खुद को डकैतों ने प्रिंस खान छोटे सरकार का आदमी बताया, केस करने पर जान से मारने की धमकी दी। डकैतों के भागने के बाद बगल के एक चाचा के मोबाइल से पुलिस को सूचना दी गई। सभी हिंदी में बात कर रहे थे। डेली यहाँ से हम लोग शाम को 5:30-6 बजे तक मंदिर में रहते हैं और उसके बाद हम लोग घर घुसे, घर में संडा पड़ा। उसके बाद घर को अंदर का जो गेट है वो बंद करके, मेरी वाइफ किचन में थी और हम एक रूम में थे और पापा ऊपर टीवी देख रही थी। तो जैसे डेली का कोई ना कोई आते रहता है, पापा से भी आता है, गांव का भी कोई आता है, तो गेट को लॉक किया गया। तो वाइफ पूछा कौन है, तो लोग बोला कि कुछ सामान काम है, तो गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो वाइफ का मुँह उन लोग दाब दिया और जैसे ही थोड़ा सा हल्का मुँह छूटा तो आवाज़ आया, तो हम बगल वाले रूम से जैसे ही आए तो हमको भी दबोच के वो रूम में घुसा दिया। फिर पापा और मम्मी हड़बड़ा के, जो वाइफ पे जो आवाज़ गया था उसमें लोग दोनों नीचे जैसे आए, चारों को एक ही रूम में ले जाके और मेरे ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा प्रहार किया गया और चारों को बांध के लोग का एक ही कहना था कि हमको खबर मिला कि आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आप वो पैसा दीजिए ना तो गोली मार देंगे। कितने लोग थे वो लोग? 6 आदमी थे। क्या हथियार क्या था उसके पास? कट्टा था। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद वही कि आप पैसा कहाँ है बताइए नहीं तो हम मार देंगे, हम लोग को सारा जानकारी है, आपके पास 5 करोड़ रुपया है। ये घटना कब घटा? ये करीब 6:30 के करीब लोग घुसा है, एक घंटा पूरा वो लोग तांडव मचाया, 1 से 1.25 घंटा। क्या क्या लेके गया घर से सामान? घर से मेरे जैसे मम्मी लोग का जेवरात था 10 से 12 भरी करीब और 1 लाख रुपया कैश। कितने का करीब होगा कीमत उसका? वही 8-9 लाख का जेवर होगा, 1 लाख रुपया कैश है। मारपीट भी किया गया किसी से? हाँ, मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा मारपीट किया गया। और किन्हीं पे? पापा को मैंने ढकेल के किया गया। क्या कहाँ पे बांध कर रखा था आप लोग को? एक ही रूम में, जो मेरा अंदर का रूम है वही रूम में चारों को बांध कर रखा गया। रस्सी से? नहीं, वो गमछा स्वेटर मफलर जो भी मिला घर का वो सारा चीज में गमछा में ही ज्यादातर बांधा। क्या लोग नकाब में थे? हाँ, सारा का मुंह में काला नकाब था, जैकेट पहना हुआ था, एक का मुड़ी में गमछा भी था और सारे हिंदी बोल रहे थे। उन लोग का एक ही कहना था कि छोटा सरकार और प्रिंस खान का आदमी हम लोग हैं। अच्छा, प्रिंस खान और छोटे सरकार का आदमी है वो बोल रहा था, बार बार वही चीज बोल रहा था कि छोटा सरकार को पहचानते हो हम लोग? हमने कहा कि नहीं, हमको उससे क्या मतलब है, हम लोग को जानकारी नहीं है। तो प्रिंस खान का नाम सुने हो? हम लोग कभी कभार हम लोग अखबार में देखे हैं, तो हम लोग उसी का आदमी है, केस उस करोगे तो मर्डर कर देंगे। तो जब आपसे 5 करोड़ मांगा जा रहा था तो आप क्या बोले? मैंने कहा कि हम लोग एक गरीब परिवार से हैं और मेरा ट्रैक्टर चलता है और मेरे पापा एक समाज सेवी हैं, बेंगू ठाकुर बोल के सब उनको पहचानते हैं और हम लोग सर डेली का रोजगार करके खाने वाले आदमी हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके तहत जबरदस्ती मेरा घर में जो 3 अलमारी है तीनों को तोड़ के और जो भी गोल्ड था सारा कुछ ले के, बाकी और कोई सामान लिया नहीं, कैश और गोल्ड। कितने बजे करीब लोग निकले? लोग मैंने उस समय तो समय नहीं देखे, उसके बाद जब हम बगल के चाचा के घर आए तो उनका मोबाइल से जो हम मैंने फोन किए, आप लोगों का फोन भी ले लिया था क्या? मेरा फोन लेके चला गया और पापा का फोन, वो जो डिवान तोड़े ना उस क्रम में डिवान के अंदर घुस गया, इसलिए बच गया। तो फिर सूचना कैसे दी पुलिस को? तो वो बगल के चाचा के जो घर आए, चाचा का लड़का के फोन से, हमारे गाँव के जो चौकीदार है उनके पास उनका नंबर था, उसमें फोन किए और एक चाचा है नहीं उनके फोन से, फिर थाना में डीएसपी भी आए थे। हाँ, डीएसपी साहब भी आए थे, बड़ा भी आए थे। क्या कुछ जांच हुआ, क्या बताया? सारा जानकारी लिया, सारा कुछ देखा। उसके बाद सीसीटीवी, बगल में चाचा के घर में सीसीटीवी है, वो भी डीएसपी साहब बैठ के अपने खुद देखे
और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ा जाए। किन्हीं पे शक है सब? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हम लोग गांव घर से देहात से बिलोंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, चलाते हैं अपना परिवार। फिर आपका हाथ बंधा हुआ था तो कैसे खोले? एक्चुअली पापा लोग का, पापा मम्मी लोग का हाथ आगे से बंधा हुआ था और मेरा हाथ इस तरह से बंधा हुआ था, ठीक है। तो हम जैसे अपना हाथ पीछे किए तो पापा अपना उंगली से थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके एक मेरा जब हाथ खुला तो हम मैंने सारे सारे का हाथ। घर में बच्चे भी थे क्या? नहीं, बच्चे नहीं थे, बच्चे मेरे आपका आसनसोल फुआ के यहाँ गया हुआ था। जब आपका हाथ खुला तो सारे लोग भाग चुके थे? हाँ, सारे लोग भाग चुके। वहीं मौके पर पहुंचे सुंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र राउत ने कहा कि डकैती घटना हुई है, जांच की जा रही है, अपराधी जल्द कानून के शिकंजे में होगा। जानकारी है कि यहाँ पे सुबह 6:30 सर, किन लोगों के द्वारा कुछ पता चला सर सीसीटीवी जांच में? हम लोग जांच कर रहे हैं, विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, टिकट कलेक्टिंग काम कर रही है। सर ये बड़ी बात है कि 6:30 के घटना है और सभी लोग आते जाते रहते हैं, पूरा बस्ती में ऐसे डकैती हो रहा है घर में घुस के। हम लोग जाँच कर रहे हैं, ठीक है, और निश्चित तौर पर जो भी किया है वो उसको। सीसीटीवी क्या मिला सर? सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे हैं अभी, अनुसंधान के बिंदुओं। कितना की डकैती हुआ है अब इसमें बता तो रहे हैं कि करीब 1,00,000 रुपये के आसपास की। कितने लोग थे सर उसमें? 6 आदमी बता रहे हैं। बंदूक के नोक पे बंधक भी बनाए थे इन लोगों के सर? हाँ, गृह स्वामी बता रहा है कि कुछ लोग थे उसमें। अभी जांच में कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ। बता दें कि सर शाम इस तरह की घटना जो घर में घुसकर की गई है डकैती, इस घटना से लोग भयभीत हैं। दूसरी तरफ से विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब कितनी जल्द इस मामले से पर्दा उठ पाता है और अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं, देखने वाली बात होगी।